सुनील बड़े चार पीढ़ी खूब भी या भक्त कर दिनिया आरती के बाद में घरे आन लाग गया तो कह चुक लियो चुके कोनी मोटो भाई मांगीलाल जी ओबी ने जागे कणी कह दियो बोलो थारा वो हरियो तो थारा ते मने बिष्ट करन लाग रियो ए करे धर्मशील हां मैं बड़ा घरे जागे और भी उठे चाय पानी पिए मैं थाने न्या तू न्या टाल देवाला क्या बात उन टाइम ने घरे आवे तो दलकारे मांगीलाल जी कह रहे हरिया अरे कठे मरिया के मैं तो सत्संग में गेड़ो अरे नीच घरा में जानो अच्छो नहीं है के कहे अरे नीच घरांगी सत्संग मारे छोड़ो बीरा हरिया रे आपा तो कही जा बामणे अरे आपा ब्राह्मण लोग और तू नीचे ग्राम में जावे अपना घड़िया लोग नीचे मेल दिया मैंने कुएं पर घड़िया ही कौन बांटे सी कोई बात आज ही कौन बैठा हाँ लेकिन राम जी महाराज कहे के हमारे गुरु जी रो बच्चन है मैं ऊंच नीच कुछ भी नहीं माना थे थारा घड़िया जे ऊंचा मिले जे नीचा मिले तो माने मैं मारो अलग ही स्थान बना लिया अलग रहना चालू करता हाँ राम जी महाराज तो आपको अलग ही रहना चालू कर दिया और बालाजी महाराज को धूपियो खेवे बड़ो ही प्रेम से एक दिन की बात हरि राम जी के काके बेटा भाई ने पान लाग जावे ए खाए कलेंद्र हां और वे काको साहेब का झाड़ा करके जावे ए ऊपर प्रणाम वंडड़ा हां और हरि राम जी महाराज सामने मिल जावे मन में भी जागरे पान तो लागियो लेकिन जावे किने पूछ लेवा पूछड़ा जो है वो हां के काकोसा कटा चलिया बे माथा मुका कह कर तू पहल पोती मरियो है अरे कटकारो दे दियो मारो काम सिद्ध वार तो यूं नहीं बे पाचा घरे उठ जावे थोड़ी देर बाद में जूती जाती झड़का के वापस चले तो हरि राम जी महाराज फिर कटकारो दे दियो के महाराज के काका की बात है मन बात तो बताओ थे जाओ कटाओ मन में विचार करियो रे इने बतानो ही पड़सी कह तेरे भाई के पान लाग गयो बी वास्ते मैं तो कोई झड़ागर करने जाऊं उन टाइम में राम जी महाराज कहने लगे के पास झड़ागर करने जाने की जरूरत नहीं है ए लाओ ठे हां ठे लाओ और बाबा की कृपा से सब ठीक होएला कहीं कहवे ए घर झड़ो अरे बालाजी की भभूती ले जाओ काका मेरा वो बोलिए हरि राम दादे की जय हो अरे
बालाजी की भभूति।